हेलो एवरीवन। तो आज बन रहा है डोसा। डोसे के लिए मैंने 2 कप हरी मूंग छिलके वाली, 1 कप चना दाल और 1 कप लिया इसमें चावल, जो सफ़ेद वाला जो कच्चा चावल आता वो वाला चावल। इसमें मैंने ऐड इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सोक करने के बाद सुबह इसमें अदरक लहसुन करी पत्ता हरी मिर्ची और जीरा डाल कर इसको फाइन पेस्ट इसका बना लिया। फाइन पेस्ट बनाने के बाद इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको इसको रख दिया है रेस्ट के लिए 1 से 1.5 घंटा। और इसके बाद मैंने एक पैन को गरम किया। पैन गरम करने के बाद डोसा बैटर मैंने इसके ऊपर स्प्रेड करा और ऊपर से एक तरफ जब पक जाता है तो ऊपर से फिर मैंने इसके ऊपर तेल डाला। तेल डालने के बाद इसको दूसरी तरफ टर्न करा। दोनों तरफ सेक करके इसको अच्छे से सेक लेंगे हम पहले, और फिर हम इसके लिए बना सकते हैं सांबर। लाल वाली जो साउथ इंडियन चटनी होती है, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, हरी चटनी, मैंने तो बनाई थी हरी चटनी, तो बहुत ही टेस्टी डोसा बना था। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।